ऑल राइट एवरीबडी पे अटेंशन, क्योंकि अपन ने डिस्कशन कर लिया है बच्चों कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है पिछली क्लास में। ये वाला टर्म ये देखो कितना होता है फोर्स बच्चों, सबको पता है सर फोर्स हो जाता है आई इंटू एल क्रॉस बी। मैंने यहाँ डीएल ले रखा है इसलिए यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन हुआ है क्लोज पाथ के ऊपर, वरना जनरल फॉर्मूला इसका ये हो जाता है फोर्स वैक्टर क्वान्टिटी होगा, आई लिखोगे ब्रैकेट खुलेगा एल का वैक्टर इंटू बी का वैक्टर। यहाँ तक का मैं समझता हूँ पूरी क्लास को पता होगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग बायोट सेवर्ट लॉ। तो बायोट सेवर्ट लॉ को सबसे फ्रेंडली फॉर्म में अपन लोग कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं उसके बारे में देखो बच्चों। अब तक ट्वेल्थ की क्लास को अगर मैं बाइफरकेट करूँ या थोड़ा ब्रॉडली क्लासीफाई करूँ तो बच्चों आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा अच्छे से, है ना। मतलब फॉर फर्स्ट टू मंथ्स हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट पढ़ते हैं अच्छे से। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ज़्यादातर हम लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डील करते हैं, और आज वही चार्ज आपका चलने लग गया है तो अपन लोग मूविंग चार्ज पढ़ रहे हैं, जहाँ से एक नया फिनोमेना बाहर आता है उसको बोलते हैं मैग्नेटिज्म, जहाँ अपन मोस्टली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे होंगे। ये दो मेजर बुक्स हैं समझ लो, टर्म वन के जो 7 चैप्टर्स आ रहे हैं ना वो यही दोनों हैं, 3 चैप्टर इसके 3 चैप्टर इसके, और उसके बाद एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाएगा, तो दोनों को मिला के आपको थोड़ा और अच्छे लेवल पे लेके जाएगा पढ़ाई करने के लिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो फेमस इंसानों का नाम पता है क्या है, जो दूसरे दिन ही पढ़ाया जाता है उसको बोलते हैं कूलम का लॉ। क्या बोलोगे सर जी? कूलम का लॉ होता है। कूलम के लॉ में बड़े आसानी शब्दों में मगर बता दूं मैं कि अगर कोई चार्ज है और उस चार्ज से आप लोगों को बच्चों कुछ किसी डिस्टेंस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी होती तो कैसे पता करते हो? हाउ डू यू कैलकुलेट इट? आप यहाँ पे क्यू लिखते हो? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सभी को पता होगा मेरे हिसाब से, आप के लिखते हो, आगे बोलते जाओ, जो मेन चार्ज होता है वो आता है और डिस्टेंस का स्क्वायर। डोंट वरी, मैं मैग्नेट की क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक इसलिए लिख रहा हूँ कि ये पढ़वाया जा चुका है। तो कूलम लॉ किस लिए लगता है? तो बोलोगे सर जी जब बहुत छोटे छोटे चार्ज होंगे ना, डिस्क्रीट चार्जेस या पॉइंट चार्ज पे लगता है, स्मॉल। ठीक, दूसरा जब चैप्टर एंडिंग पे आ गया था तो आपने देखा था कि सर चार्ज को उठा के कहीं पे रख देते हैं, मतलब ये लीनियर चार्ज की बातें होने लग जाती हैं, या सरफेस पे चार्ज रख देते हैं या वॉल्यूम पे चार्ज रख देते हैं। बच्चों कुछ आइडिया लग रहा है यहाँ पे? तो इनको पढ़ाने के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया था? वी हैव यूज गॉसेस लॉ। ठीक है, दोनों लॉस का एक ही आंसर है। कूलम लॉ ही बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के काम में आता है, और गॉस लॉ से भी अल्टीमेटली आप लोग फ्लक्स वगैरह और इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे होते हो। इससे कितनी आती है लाइन वाली चार्ज से फील्ड? इससे आती है बच्चों 2k लैम्डा डिवाइड बाय द डिस्टेंस जहां आप चेक कर रहे हो, और इससे फील्ड आ जाती है सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, अगर ये थिक वाली है तो। मैं आपसे फॉर्मूले का ओरल नहीं ले रहा हूं, बस ये बता रहा हूं कि बोथ ऑफ द लॉस आर यूज्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ सिंस वी हैव स्टार्टेड द चैप्टर मैग्नेटिज्म, तो इन दोनों के जो इक्विवेलेंट लॉस होंगे वो भी तो पढ़ाने पड़ेंगे। तो जो कूलम लॉ वहां काम करके देता है वही आपका आज नया दोस्त है, उसका नाम है बायोट, बोलो सेवर्ट्स लॉ। इट विल ओनली इनहेरिट वन सिंगल प्रॉपर्टी, कि यहाँ पे एक स्मॉल सा चार्ज है या पॉइंट चार्ज है। तो बच्चों आप किसी कंडक्टर के ना स्मॉल से रीजन से जिसको डीएल बुलाओगे उससे आर डिस्टेंस पर कितनी फील्ड आएगी वो पता करोगे आप। तो फील्ड आएगी यहाँ पे छोटी सी, कितनी आएगी मैं आपको बता दूंगा। तो कूलम लॉ किस काम में आता है? इट इज यूज्ड टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। बोलो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम अ, ट्वेल्थ क्लास, फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। वैसे ही बायोट सेवर्ट लॉ काम में आता है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम करंट कैरिंग, मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम करंट कैरिंग एलिमेंट, किसी एलिमेंट से। एलिमेंट मतलब ये छोटा सा इंसान, डीएल पे बैठ के पढ़ रहे होंगे अपन कितनी फील्ड आएगी, और करंट जा रहा है आपके वायर में से। अब गॉस लॉ का जो कंपैरिजन होता है वो सीधा सीधा हो जाता है एम्पियर सर्किटल लॉ। अगर कोई बच्चा डेडलाइन पे अपनी प्रेपरेशन के, तो इलेक्ट्रोस्टेट में इन दोनों को तैयार कर ले, इनके एप्लीकेशन पढ़ ले, और मैग्नेट में बायोट सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल तैयार कर ले, उसको बहुत अच्छा बूस्ट मिल जाएगा प्रेपरेशन का। तो अभी अपन आज पूरा बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ लेंगे। इसकी स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि सर ये एक एलिमेंट से पता किया जाता है, किससे?
करंट एलिमेंट से। और एम्पियर लॉ की बात करेंगे तो बड़े बड़े एकदम लंबे लंबे चौड़े चौड़े करंट मिल रहे होंगे आपको ये ऐसे करके, और इससे किसी डिस्टेंस पे अपन मैग्नेटिक फील्ड को पता कर लेंगे। तो ये हो जाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। लेफ्ट साइड में क्या था, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस था ना, तो यहां पर आ जाएगा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट। इतना ज्यादा नहीं सोचना होता, ये कंपैरिजन वाले हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कूलम लॉ बराबर बायोट सबेट लॉ, मैं ये कह रहा हूँ जो काम कूलम लॉ ने वहां करके दिया था वही काम आपका नया दोस्त काम करके देगा जिसका नाम है बायोट सबेट लॉ। ये बच्चों को आता है तो उनका कॉन्फिडेंस इस चैप्टर में बूस्टअप रहता है। और लास्ट वाला है अपना सेकेंड, मतलब जो गॉस लॉ का इक्विवेलेंट है उसको बोलते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ। ये एक ईजी सा लॉ है जैसा गॉस लॉ था ना अपना, बिल्कुल बेसिक सा, फाई बराबर बोलो क्यूबा एप्सिलॉन नॉट, अरे आ रहा है ये, वैसे ये बहुत ही बेसिक सा लॉ है बच्चों। ये भी अपन को मैग्नेटिक फील्ड दे जाएगा बड़े आसान शब्दों में। तो आई एम नॉट राइटिंग द इक्वेशन बिकॉज मैंने पढ़ाया ही नहीं अभी तक आप लोगों को, बस कंपैरिजन बताया है। सो लेट्स स्टार्ट विद बायोट सावर्ट लॉ। और सबसे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि जब अपन जूनियर क्लास में थे ना बच्चों, तो हमेशा ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ कि सर ने ऐसा करंट दिखाया होगा। बोलोगे यस सर दिखाया तो है ना, मान लो यहाँ पे कोई करंट चल के जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो यू ऑल वेरी वेल नो दैट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी बच्चों वो इससे कैसे एग्जिस्ट करती है, कुछ इस तरह से एग्जिस्ट करती है ना, याद तो करो बच्चों है ना, इस तरह से ना। और अगर मैं आपसे बोलूं इसके डायरेक्शंस क्या होंगे तो बोलोगे सर जी ये डायरेक्शंस होंगे। तो वी हैव ओनली एबल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कितनी होगी ये नहीं मालूम पड़ा। और बाय और ओइस्टेड ने बोल रखा था कि फील्ड ना करंट पे डिपेंड कर रही होती है, और फील्ड जितना पास लेकर आओगे उतना ज्यादा फील्ड बढ़ रही होगी ऐसे करके। थोड़ा बहुत आइडिया है अपन को, लेकिन ये जो मैक्सवेल का रूल होता है उससे बच्चे लोगों को केवल और केवल डायरेक्शन मिलता है, जो मॉडिफाई कर दिया जाता है ट्वेल्थ में आने के बाद, कि अगर करंट ऊपर गया है तो बड़े आसान से अच्छे बच्चों की तरह राइट साइड में क्रॉस बना दो और यहाँ पे डॉट बना दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इन्होंने भी केवल डायरेक्शन बताया, इट वॉज बायोट एंड सेवर्ट्स जिन्होंने बताया कि ये फील्ड आखिर में आएगी कितनी। अब बात समझे, डायरेक्शन तो कोई बता देगा, छोटे से बच्चे ही बता देगा भैया यहाँ से अंदर जाएगा यहाँ से बाहर आएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये बी कितना आएगा इसके बारे में पूरा डिस्कशन होना है क्लास में आज, ठीक है। तो बायोट सेवर्ट लॉ इज यूज टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग एलिमेंट। हम एक एलिमेंट अज्यूम करेंगे और यहाँ से लेकर यहाँ तक को इसको इंटीग्रेट मार देंगे। अब बात समझे, इसका फील्ड वर्क मैंने तैयार कर दिया है बच्चों। अब लॉ की बारी आती है। लॉ ये कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर। बस इतना ही पढ़ाना है मुझे अभी। फील्ड कितना होगा, छोटा सा होगा, तो बोलोगे डीबी। किसकी वजह से होगा बच्चों, करंट कैरिंग स्मॉल कंडक्टर। देखो पहले लाइन में तीन सिंबल्स मिल गए मुझे, तो जब आप पेपर में पढ़ने जाओगे ना तो कैसे पढ़ना है इसको मैं बताता हूँ बच्चों। कुछ देर के लिए मान लो कि ये आपका करंट कैरिंग एलिमेंट है, मान लिया क्या, थोड़ी देर के लिए मान लो ये करंट कैरिंग एलिमेंट है और इस पर बच्चों कोई करंट जा रहा है। इसका एक इन्फाइनाइटली स्मॉल सा अगर सेक्शन लेने को बोलूंगा तो बोलोगे सर जी ले लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये मैंने इसका एलिमेंट अज्यूम कर लिया, इसको डी ए लिख देंगे। इसका जो वेक्टर होता है बच्चों वो उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में करंट लिया जाता है, और उस कर्व पॉइंट पे आपको एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइक दिस। किस किस को आया इतना समझ में। नाउ यूजिंग दिस बायोट सावर्ट लॉ, इस डीएल पे जो करंट चल के गया है उसकी वजह से आप कहीं पर भी फील्ड निकाल सकते हो। प्यारे बच्चों मेरे कहने का मतलब है मुझे इतनी दूर यहाँ कहीं मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसका डिस्टेंस आर है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे पॉइंट पी बनेगा। सारे ही बच्चे जानते हैं टेंथ क्लास से कि अगर करंट ऊपर गया है तो राइट साइड में इनवर्ड पे फील्ड होगी, तो थोड़ा बहुत तो चीजें वहां से कॉपी कर लूंगा, लेकिन कितना आएगा वो नहीं मालूम ना मेरे को। तो यहाँ से दिख तो रहा है अपन को कि अगर मान लो थंब ऊपर लेकर गया और चारों फिंगर्स बच्चों ऐसे करके ले गया, तो यहाँ से आपके चारों फिंगर्स पेपर के अंदर जा रहे होंगे है ना, अगर राइट हैंड घुमाओगे तो। तो कहने का मतलब फील्ड तो इनवर्ड जा रही है, लेकिन कितनी फील्ड होगी इस डीएल की वजह से बच्चों, वो डी बी होगी। डी मतलब होता है स्मॉल वैल्यू, डिफरेंशियल वैल्यू। और अगर मान लो मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा दिया तो फिर तो और लड़ाई होने लग जाएगी। वेक्टर का मतलब हो जाएगा ये नेगेटिव के पे जा रहा होगा, मतलब पेपर के अंदर जा रहा है आपके। बोलो यहां तक का समझ में आया क्या बच्चों।
जो एंगल डीएल का जो टेंजेंट है और डिस्टेंस जो बन रहा है आर, उनके बीच में बनता है बच्चों, उस एंगल को बोलते हैं थीटा। ठीक है, आर यहां से यहां तक का मैग्नीट्यूड है। एक आर के ऊपर कैप आपको लेना होगा, वो कैप बच्चों डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज इंड्यूस कर देगा। जो बच्चे मैथमेटिक्स वाले हैं और वेक्टर जानते हैं बेसिक सा, वही जानते हैं अच्छे से कि अगर मुझे आर का वेक्टर कभी लेना पड़ गया लाइफ में तो वो क्या होता है, वो होता है मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर। वहीं से आपको याद हो जाता है कि आर कैप का मतलब क्या है, वो हो जाता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस। आई एम वेरी मच श्योर कि पूरी क्लास ने कम से कम ये तो याद करके रखा है कि यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, वेक्टर डिवाइड बाय, बोलो बच्चे लोग, मॉड ऑफ वेक्टर। इससे ज्यादा सोचना थोड़ी है अपन को, कैप बना हुआ ऊपर, आर कैप इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, मॉड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं। इतना क्लियर है सबको बच्चों? इस डायग्राम को देखो आप, इमेजिन कर लो अपन 10th क्लास में ही फिलहाल अभी, और ये करंट जा रहा है मेरा, जितना बढ़ाऊंगा मैं यहाँ पे करंट, उतने बढ़िया बढ़िया गोले बनेंगे ना यहाँ पे। इसका क्या मतलब निकल रहा है? इसका मतलब ये निकल रहा है कि इस डीएल पर से अगर करंट निकल कर जाएगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है, मैग्नेटिक फील्ड है ना, आप लोगों को बच्चों उसको वेक्टर की तरह लिखना होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का जो वेक्टर है वो डिपेंड करेगा करंट पे, इक्वेशन नंबर वन, वही बोला है आगे इसने, इज डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द करंट, बात खत्म। फिर बोला है डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, तो मैं यहां लिखूंगा बच्चों डी बी प्रपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द एलिमेंट, पूरा लेंथ मत कर देना इसको, डीएल कर देना। और जैसे ही आप यहाँ पे वेक्टर लगाओगे तो इसके पास भी वेक्टर लग जाएगा, और क्रॉस करके बच्चों आर का कैप करना पड़ेगा। इस आर का कैप का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बच्चों वन होता है, तो घबराओ मत, वो केवल डायरेक्शनल देने के लिए है। तो ये लिखा है मैंने यहाँ पे ओनली फॉर डायरेक्शन, मत टेंशन लो, पूरा बना बतला के दूंगा। इक्वेशन नंबर टू कर लेते हैं। थर्ड क्या लिखा है, डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू द साइन थीटा, तो जो इनके बीच में जो एंगल बनता है ना, कई बार वो एंगल 0 हो जाता है, 90 हो जाता है, 60 हो जाता है, कुछ भी एंगल बन सकता है, वो अपनी किस्मत पर डिपेंड कर रहा है या क्वेश्चन पूछने वाले पर डिपेंड कर रहा है। तो आप बोल देना सर जी जो डी बी होगा वह प्रपोर्शनल करेगा साइन थीटा पे। उसके बाद उसने बोला है कि इनवर्सली प्रपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, तो हम ये तो जानते ही थे कि डी बी इनवर्सली प्रपोर्शनल होता है आर के, लेकिन बायोट ने बोला भाई साहब स्क्वायर लगा लो और बढ़िया लगेगा आपको। नाउ आई एम हैविंग फोर इक्वेशंस, जैसे ही मैं इनको साथ में रख दूंगा मेरा आंसर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, बोलो, फील्ड डिपेंड कर रही है करंट पे, फील्ड डिपेंड कर रही है लेंथ के एलिमेंट पे, फील्ड डिपेंड कर रही है साइन थीटा पे, फील्ड डिपेंड कर रही है वन अपॉन आर स्क्वायर पे। तो आई कैन राइट डायरेक्टली एज माई मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज प्रपोर्शनल टू, बोलो बच्चों, आई लिखा है ब्रैकेट खुला हुआ है डी एल इंटू आर का कैप। ये क्यों कैप आ रहा बता दूंगा, वो कि पेपरों में ऐसा आ चुका है इसलिए मैं भी ये फॉलो करता हूं। इतना तो क्लियर होगा सब बच्चों को? हाँ ना, तो बोलो भाई, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, आर का स्क्वायर। व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड दिस डी एल, मैं इसका आपको आंसर करता हूँ यहाँ पे, बड़े बड़े शब्दों में आपको लिख के बताता हूँ बच्चों। मुझे बताओ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर कितना होता है? एनीबडी हैज एनी आइडिया, ए क्रॉस बी कितना होता है? तो बोलेगा सर जी ए इंटू बी इंटू साइन थीटा, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा लेना पड़ता है। वही आपको यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी है ना। तो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब जाएगा ना बच्चों, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जब जाएगा तो आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट वेक्टर में निकल आएगा। यहाँ लिखना होता है अपन को म्यू नॉट, डिवाइड करना होता है बच्चा लोग 4 पाए से, जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा 2 महीने पहले, स्मॉल के का मतलब होता है 1/4 पाए। तो यहाँ पे ही 1/4 पाए आ रहा है, और यहाँ पे एप्सिलन नॉट लिखा होता है, तो ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, वैसी मैग्नेट चैप्टर में मीडियम की प्रॉपर्टी होती है, उसको बोलते हैं म्यू नॉट। आई एक्सप्लेन यू क्या है ये, प्रोपोर्शनल जाएगा तो बच्चे लोग कॉन्स्टेंट आ जाएगा और ब्रैकेट खुल जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आई न्यूमरेटर में लिख रहा हूँ मैं डी एल का वैक्टर क्रॉस ऑफ आर कैप और होल डिवाइड बाय यहाँ पे आर का स्क्वायर, दिस इज योर बायोट सेवेट लॉ। फिर आप बोलोगे सर जी वो साइन थीटा कहाँ ले गए आप, उसको तो खत्म ही कर दिया आपने। खत्म नहीं करा बच्चों, ये फॉर्मूला वेक्टर में लिखा जाता है, और आप हेडिंग पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड में लिखना है, तो इसी फॉर्मूले को जब मैग्नीट्यूड में लिखने जाएंगे ना तो डी बी हो जाएगा, और वो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4 पाए। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, लेकिन ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा,
तो राइट साइड में करके दे रहा हूं मैं आप लोगों को, डी एल वैक्टर क्रॉस ऑफ आर वैक्टर करोगे ना तो डी एल का मैग्नीट्यूड तो डी एल ही हो जाएगा, लेकिन आर एक यूनिट वैक्टर है और पूरा देश जानता है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी मैग्नीट्यूड में, वो होती है वन। ए क्रॉस बी तो हो जाता है ए बी साइन थीटा। तो ये चीज एक साइलेंट होती है और बच्चे भयंकर कंफ्यूज होते हैं कि यार ये आर सर ने उड़ा कैसे दिया, यहाँ पे उड़ाया नहीं है भाई, ए क्रॉस बी सॉल्व किया है। तो यहाँ पे हो जाएगा डी एल इंटू वन, नहीं लिखने की जरूरत है अब, आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर का स्क्वायर। अब आप अपना फॉर्मूला मिला लीजिए, आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस में क्या लिखा था बायोट सेवेट ने। अब जो फील्ड है वो करंट पे डिपेंड कर रही है, डीएल पे डिपेंड कर रही है, साइन पे डिपेंड कर रही है, आर पे डिपेंड कर रही है। नाउ सेटिस्फाइड बच्चों, नाउ सेटिस्फाइड। एक बात और, एक और नया फॉर्मूला इस पैटर्न पे आ सकता है कि सामने वाला आपसे पूछेगा कि आर कैप को और आप कैसे लिख सकते हो, तो वो ऑलरेडी मैंने यहां पर लिख के रखा है। तो ये हो जाएगा बच्चे लोग आपका डी बी बराबर म्यू नॉट लिखूंगा बाय फोर पाई, ये तो आएगा ही आएगा, समझ लो आज के बाद हर क्वेश्चन में दिखाई देगा ये आपको, म्यू नॉट बाय फोर पाई। जैसे वहां पे था ना वो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू आपने याद कर ली थी, वैसे ही आपको उसकी वैल्यू याद करनी है, मैं लिख के दूंगा अभी, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, अब यहां सुनो, आई लिखूंगा मैं, ब्रैकेट खोलूंगा, डी एल का वैक्टर। बच्चों आर कैप को और क्या लिख सकते हैं, पीसीएम वाले बच्चों स्पेशली, आर कैप को आप लिख सकते हो वैक्टर डिवाइड बाय मॉड्यूलस। तो ऑलरेडी नीचे दो स्क्वायर थे तो एक और आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, थ्री बन जाएगा। यकीन मानिए ऐसा क्वेश्चन भी आ चुका है कि आइडेंटिफाई करिए कौन सा फॉर्मूला बायोट सेवर्ट लॉ का नहीं है, तो ये तीनों के तीनों फॉर्मूले बायोट सेवर्ट लॉ के हैं। सबसे ज्यादा एक्सेप्शनली यूज होने वाला फॉर्मूला ये वाला है बच्चों, जो ऐसा बोलेगा म्यू नॉट बाय फोर पाए आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इसको आइडियल भी पढ़ सकते हैं बच्चे, है ना, आइडियल बच्चे जो है ना, आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। अब मैं ये इस क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब समझाने जा रहा हूँ कि ये क्रॉस क्यों मारा मैंने, है ना, यहाँ पर देखो सारे के सारे बच्चों, ये क्रॉस क्यों लगवाया। सबको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में जो पहले लिखा होता है वर्ड, वहां पे अपन अपने राइट हैंड को रखते हैं, तो राइट हैंड के सारे फिंगर्स को अगर आप यहाँ पे रखोगे डीएल के डायरेक्शन में और हाथ को घुमाते हुए यहां तक लेके आओगे आर कैप के डायरेक्शन में, मतलब व्हाट यू आर डूइंग डी एल क्रॉस आर कैप कर रहे हो, तो आप देखोगे कि आपकी जो थंब है ना बच्चों, वो पेपर के अंदर या कॉपी के अंदर या मोबाइल स्क्रीन के अंदर जा रही है, और वही जो इनवर्ड का डायरेक्शन होगा वही यहाँ पे इसको मिला है। तो ये सारा डायरेक्शन बच्चों वेक्टर से मिला है, आप मेरी बात समझो, डी एल क्रॉस आर करते ही अपना थंब है वो अंदर आने लग जाएगा, दैट इज वाई आई एम डूइंग डी एल क्रॉस आर। अपने राइट हैंड को निकालो, जैसे हैंडशेक करते हो ना, जस्ट उसका उसको 180 डिग्री से घुमा दो हाथ को, मतलब थंब नीचे रख के घुमाओ, थंब नीचे रख के चारों फिंगर्स किसके साथ रख लो बच्चों, डी एल के डायरेक्शन में, और हाथ को घुमाते घुमाते मुट्ठी बंद करते करते आर पर लेकर आओ। व्हेन यू क्लोज योर फिंगर्स यू विल सी दैट योर थंब इज इनटू द पेज, इनटू द कॉपी, इनटू द मोबाइल स्क्रीन, इनटू द लैपटॉप स्क्रीन। तो इनवर्ड जाने का मतलब है जिस पॉइंट पे पढ़ेंगे पूरे राइट साइड में किसी भी जगह पे पढ़ेंगे बच्चों तो इनवर्ड आएगी, और यही बात 10th क्लास का बच्चा भी चीख चीख के बोलेगा, भैया राइट साइड में इनवर्ड होती है, कोई परेशानी वाली बात? तो बोलोगे सर बिल्कुल नहीं है। यहां से एक बात और सीखता है बच्चा अपना कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उसके राइट साइड में तो इनवर्ड पे फील्ड जा रही है, लेफ्ट साइड में आउटवर्ड में आ रही है। लेकिन जैसे कोई बच्चा अपने घर में कभी मस्ती वगैरह नहीं करता है, बहुत साधु महात्मा की तरह रहता है ना, बहुत शरीफ बन के, वैसे ही ये जो करंट है ना, ये अपनी एक्सिस पर कोई फील्ड नहीं देगा। अगर आप किसी पॉइंट पे एक्सिस पे जाके पूछोगे भैया फील्ड कितनी आ रही है, तो जो डीएल से जो डिस्टेंस बनेगा बच्चों वो भी सामने ही बनेगा, और डीएल भी बच्चों सामने ही देख रहा होगा, तो एंगल कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो थीटा यहाँ पे जीरो आने की वजह से साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो पूरी की पूरी एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन होगा बायोट सेवर्ट लॉ का, मैंने यहीं पे करा दिया है। जैसे हम लोग खुद नहीं घर पे एकदम बिल्कुल शरीफ बन के बैठते हैं, जैसे अपन क्लास के एकदम वो वाले बच्चे, मतलब वो बिल्कुल पढ़ाई के अलावा कुछ मतलब ही नहीं है, और जैसे बाहर निकलते हैं वैसे ही अपना असली रूप सामने आ जाता है। तो वैसे ही अपना क्रॉस प्रोडक्ट लगा हुआ, क्रॉस लगा हुआ है बच्चों, मतलब पेज के अंदर जा रहा होगा और ये पेज के बाहर आ रहा होगा, तो एक्सिस पर कभी फील्ड नहीं होती है। वन मार्क का एजर्शन रीजन में पूछ सकता है, छोटे छोटे एग्जामों में ये एमसीक्यू में आ सकता है कि एक्सिस पे कितनी होगी फील्ड, तो बोलना भाई एक्सिस का लोकेशन जीरो डिग्री पे आ रहा है, और अगर इसके पीछे चेक करोगे तो लोकेशन इसका 180 डिग्री पे आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, 180 डिग्री पे भी आन दो भाई, क्या दिक्कत है, व्हाट इज साइन 180, जीरो।
और अगर इसको सेंटेंस में याद करवाना चाहूं तो बड़ा सिंपल है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ कंडक्टर कितनी होती है प्यारे बच्चों, जीरो। राइट और लेफ्ट में निकाल सकते हैं अपन। अब मान लो आपसे कोई टीचर आके बोले भैया आप हर बार राइट राइट पढ़ रहे हो, आप लेफ्ट पे पढ़ के दिखाओ, तो मान लो अगर अपन ने ये वाला पॉइंट को अज्यूम कर लिया, इस वाले पॉइंट पे कैसे पढ़ोगे बच्चों, यहां से यहां तक का आपको आर वेक्टर लेना होगा, ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड लेना होगा, और आर कैप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। तो अब आपको डीएल पे बैठ के यहां पर करना होगा, तो डीएल के डायरेक्शन से, समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूँ, डीएल के डायरेक्शन से आपको क्रॉस करना होगा आर के साथ, डीएल क्रॉस आर। तो यहाँ पे अपने चारों हाथ, चारों फिंगर्स रख लो, और जिसे आप अपना हैंड को कर्ल करते हो ना बच्चों, तो अपने हाथ को ऐसे कर्ल करके लाओगे तो आपको थंब बच्चों बाहर दिखाई देगी, और यही 10th क्लास के सर भी बोलेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। डोंट वरी, आपको दोनों साइड नहीं बनाना होता है, आपको केवल और केवल बच्चा लोग राइट साइड का बना देना, अपना काम खत्म हो जाएगा। इतनी टेंशन तो लो ही मत आप कि सर सर कुछ बोल रहे हैं या नहीं समझ में आया या ऐसा कुछ वैसा, है ना, मेरी बात समझ रहे हो बच्चों? हेलो, स्टूडेंट्स बात समझ रहे हो मेरी? तो ये तुम लोगों का पूरा क्या है बच्चों, ये पूरा अपना बायोट सेवेट लॉ है, द मोस्ट एक्सपेंसिव फॉर्मूला फॉर दिस चैप्टर। अब ये म्यूनोट के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ये है क्या चीज, है ना। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और बात करते हैं व्हाट एग्जैक्टली इज योर म्यूनोट। तो अपन जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थे ना, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में परमिटिविटी पढ़ाया जाता है हमें। परमिटिविटी का मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ अ मीडियम जो इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करती है, क्या करती है, डिक्रीज करती है। तो वहां पे जो कांस्टेंट आता है वो क्या आता है, 1/4πε0। तो जितनी प्रॉपर्टी कम रहेगी उतना बढ़िया आपका फोर्स होगा। लेकिन जब आप मैग्नेट चैप्टर पढ़ने जाते हो ना, मैग्नेटिज्म, इसमें थ्रू आउट आपको परमिएबिलिटी पढ़ना होगा। परमिएबिलिटी, बायोलॉजी वाले बच्चे समझ रहे होंगे व्हाट डू यू मीन बाय परमिएबल, ये एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है जो अपने आप से कोई वाटर या कोई और लिक्विड पास करने देता है। तो परमिएबिलिटी को बच्चों म्यू से देखा जाता है, इसका सिंबल है। तो प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये याद करने वाली बात है, द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम जिससे वो अलाउ करता है, है ना, प्रॉपर्टी मीडियम टू अलाउ द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी ज्यादा फील्ड अलाउ करेगा। तो जो अच्छे अच्छे मैग्नेट होते हैं ना, उनका म्यू बहुत ज्यादा होता है, एयर का थोड़ा कम होता है, इसलिए फील्ड बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेट पढ़ोगे आगे चल के, तो म्यू पे प्रॉपर्टी पे आपको फंसाएगा सामने वाला, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू अलाउ मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट बाय 4π क्यों आ रहा है? तो बोलोगे सर ये कांस्टेंट होता है, इसे कांस्टेंट फॉर मैग्नेटिक फील्ड, और यहाँ पे था ये कांस्टेंट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो 1/4π तो दोनों के पास है, इसमें नीचे आ रहा है एप्सिलॉन नॉट और इसमें ऊपर आ रहा है म्यू नॉट। मेरे कहने का मतलब है 1/εo इज एनालॉगस टू म्यू नॉट। आई एम नॉट सेइंग इक्वल है, कभी नहीं, सपने में भी नहीं भाई, ये दो अलग अलग दुनिया चल रही है, कंपेरिजन हो रहा है बस, आप बात समझे, सिर्फ कंपेरिजन हो रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा यहाँ पे स्मॉल सी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कैसे लिखोगे आप लोग, के की जगह पे आ जाएगा 1/4πε0 चार्ज की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, जिसको डी क्यू बोल सकते हो, और नीचे आ जाता है R², हाँ या ना बोलो बच्चों, है ना, ये तो अपन ने लाखों बार पढ़ा हुआ है 1/4π। इसी को कॉपी का करवा दूंगा तो DE की जगह पे क्या आ जाएगा, DB आ जाएगा, और 1/εo की जो कॉपी करते हैं वो हो जाएगा म्यू नॉट बाय 4π। चार्ज की जगह पे मैंने IDL लिख लिया है, साइन थीटा तो फ्री का गिफ्ट है, कभी जीरो होता है, कभी 90 होता है, फलाना होता है, धमाका होता है, लेकिन नीचे R² आ रहा है। तो यू कैन सी हाउ मच फेमिलियर और सिबलिंग की तरह दिख रहा है ना ये दोनों के दोनों से, हमारे भाई बहनों में हमारी बहुत सी प्रॉपर्टी कॉमन होती है, लेकिन फिर भी बहुत चीज़ें अलग अलग होती हैं। ऐसे बड़ा भाई हम लोग को बहुत पीटता है और हम उसकी बहुत कंप्लेन करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग भी हैं, लेकिन कंपेरिजन कर सकते हो आप कि दे हैव अ कॉन्स्टेंट लाइक दिस, दे हैव R² इन द बॉटम विच मीन्स दैट इनवर्सली प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना।
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फील्ड है ना, और बच्चों चार्ज की जगह पे आईडीएल साइन थीटा आया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा टर्म आपको चार्ज की तरह समझना चाहिए फिलहाल के लिए। चार्ज के बराबर नहीं बोल रहा हूँ, जिस मैंने कंपेरिजन कराया टू मेक योर लाइफ बेटर कि अच्छे से समझ लो। तो वट इज म्यू, तो बोलो सर परमिएबिलिटी होती है, जैसे यहाँ पे था ना एप्सिलॉन पढ़ाया होगा, एप्सिलॉन नॉट पढ़ाया होगा, एप्सिलॉन आर पढ़ाया होगा, ठीक उसी तरह बच्चों म्यू आएगा आगे चल के, म्यू नॉट आएगा और म्यू आर आएगा। सो डोंट वरी, अभी केवल म्यू नॉट आया है तो मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ। म्यू नॉट का मतलब होता है, पे अटेंशन एवरीबडी, म्यू नॉट का मतलब हो जाता है, लेट मी चेंज द पेन कलर सो दैट यू कैन राइट इट वेल, ये हो जाएगा परमिएबिलिटी। नॉट मतलब होता है खाली, कुछ नहीं, वेकेंट, वॉइड स्पेस, या फिजिक्स की क्लास में बोलते हैं परमिएबिलिटी ऑफ, बोलो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस या वैक्यूम बोल सकते हो, मतलब एयर का कितना होगा परमिएबिलिटी। आगे चल के म्यू आर भी यूज करूंगा, और फिफ्थ चैप्टर जो मैग्नेटिज्म है वहां पे म्यू भी आ रहा होगा, लेकिन इस पूरे चैप्टर में आपको म्यू नॉट ही पढ़ना है। घबराना नहीं है कि नया सिंबल आ गया और दिमाग खराब हो गया है, कुछ नहीं है बच्चों, ये जहां जहां वन अपन एप्सिलॉन नॉट यूज कराया ना वहां वहां इसको लिख दो। अब इसकी वैल्यू कितनी होगी ये अपन को पता करना होगा, तो वैल्यू उसकी याद करना बहुत आसान होता है बच्चों, म्यू नॉट बाय 4 पाई 10 में से 9 फॉर्मूले में मिलेगा, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली याद कर लो आप, 10^-7 होगा। ये कहां से आ रही है, ये चैप्टर 8 ईएम वेव में आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी। जैसे अपन ने याद किया था ना 1/4π नॉट 9×10^9 होता है, याद करो। अरे भाई क्या कर रहे हो भाई, स्मॉल के तो न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर था, वैसे ही बच्चों म्यूनट बाय 4π हो जाएगा टेस्ला मीटर अपॉन a-1, याद कर लो है ना, टेस्ला मीटर अपॉन a-1। एक बार क्रॉस चेक भी करा दूंगा मैं आप लोगों को, टेंशन ना लेना है ना। तो हम या तो ऐसा याद करते हैं आधे बच्चे की म्यूनट की वैल्यू याद करते हैं, 4π वहां निकल जाएगा, 4π×10^-7, बट मैं सजेशन देता हूं कि ये भाई साहब को एज इट इज याद कर लो, कि ये ऐसी कैसी प्रकट हो जाएंगे आपकी जिंदगी में म्यू नॉट बाय 4π बनके, बात समझ रहे हो। तो करना कितना आसान हो गया अपने लिए कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बताया सर ने, उसका पहला वर्ड तो उन्होंने पहले ही बता दिया ये कितना होगा, बस आपको आई लिखना है, डीएल लिखना है, उनके बीच में एंगल कितना बन रहा है वो लिखना है, और आर स्क्वायर लिखना है। एक बात और बच्चों, ये जो एंगल होता है वो किन किन के बीच में होता है ये भी तो लिख लें अपन। तो थीटा इज द एंगल बिटवीन, मैं पीछे जा रहा हूँ डायग्राम के पास, बच्चों ये देख रहे हो डीएल जा रहा है बिल्कुल ऊपर नॉर्थ पोल पे जा रहा है, और उसके बीच में एंगल बन रहा है, तो मतलब डीएल और आर कैप के बीच का एंगल होता है, या डीएल और आर के बीच का एंगल दोगे तो भी चल जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, डीएल मतलब करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट एंड पोजिशन, पोजिशन वेक्टर आर कैप, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। आज जो याद करने वाली चीज है वो ये है, मत लो टेंशन इससे ज्यादा, म्यू नॉट बाय 4π, बोलो म्यू नॉट बाय 4π आईडीएल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, इतना क्लियर है पूरी क्लास को। तो चलो बच्चों इसके एप्लीकेशंस कंप्लीट करते हैं फटाफट, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ बायोट सेवेट लॉ, कहां कहां पे मिलेगा, कैसे कैसे मिलेगा और आपको कैसे स्टडी करना है। तो एप्लीकेशंस ऑफ यहां पर लिखा हुआ है बायोट, और क्या लिखा है बच्चों, सेवर्ट्स लॉ, ठीक। बोर्ड पर देखो, सबसे पहला सबसे बेसिक एप्लीकेशन है जिसको दोबारा पढ़ाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आप लोगों को। मान लीजिए कि ये कोई करंट जा रहा है, ये कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है, स्ट्रेट वायर जा रहा है, कोई टेंशन लेना ही नहीं इसको, तो है ना। तो ये रहा आपका करंट बच्चों, इससे अगर किसी ने एलिमेंट बनाया तो वो डीएल हो जाएगा करंट के डायरेक्शन में। इफ समबडी आस्क यू कि एक्सिस पे कितनी फील्ड होगी, क्या आंसर बोलोगे बिना पढ़े, क्या बोलोगे बच्चों आंसर बिना पढ़े, डीएल से लेके आर तक का डिस्टेंस ये हो जाएगा, और आर कैप बच्चों उसी डायरेक्शन बन जाएगा आप लोगों का। तो एंगल कितना आएगा, डीएल भी सामने देख रहा है, आर कैप भी बच्चों सामने की तरफ ही देख रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन यू डू डीएल क्रॉस ऑफ आर, इसलिए फंडामेंटल लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए। ये क्लियर हुआ सबको, फर्स्ट हो जाएगा ऑन द एक्सेस ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर,
किसी भी कंडक्टर के साथ उसी की एक्सिस पर अगर फील्ड पूछे जाएंगे तो याद करो जीरो मार्क करके आना है। फिर हो जाएगा बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दें पूरी क्लास, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप। बड़ा सिंपल है बच्चों, समझा देता हूं मैं आप लोगों को। मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि सर के पास ये एक लूप है और ये भी एक लूप है, ठीक है। एक लूप में करंट चलता है इस तरह से और एक लूप में करंट चलता है बच्चों इस तरह से। अपने अपने राइट हैंड बाहर निकालो और उस राइट हैंड को करंट के डायरेक्शन में बच्चों इसमें ना चारों फिंगर्स को ऐसे घुमाओ। आपका थंब कहाँ आएगा बोलो, थंब किधर आएगी आपकी? थंब आएगी आपकी इनटू द पेज, ठीक। वैसे अगर अपने चारों फिंगर्स को ऐसे ले करके ऐसे घुमा के बंद करोगे तो आपकी थंब जो होगी ना बच्चे लोग, वो आपको बाहर आती हुई दिखाई देगी। तो ये तो अपन बचपन से जानते ही थे बातें, अब वो कितना आएगा वो पता करना है और उस पर क्वेश्चन होते हैं तमाम। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज हम बायोट सेवेट लॉ इस्तेमाल करेंगे और दो ही लाइन में आंसर निकाल देंगे। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बायोट सेवेट लॉ, प्रूफ कैसे कर रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में वो बस देख लो, पूरा पूरा नहीं लिखना है अपन को, इतनी टेंशन तो लेना ही नहीं बच्चों इस साल अपन को। 7 चैप्टर आने हैं, क्वेश्चन करा देने हैं सर को, सारा काम हो जाएगा। मान लेते हैं 2 सेकेंड के लिए कि ये आपके पास क्या है, करंट कैरिंग लूप है। लूप का मतलब है ये एक बड़ा सा कंडक्टर है, तो आप पूरे पे बायोट सेवेट लॉ कभी नहीं लगा सकते। आप बस क्या कर सकते हो, बहुत से बहुत आप एक रेडियस बना सकते हो, उसको हमेशा छोटा वाला आर बताना या कैपिटल आर कर लो। चलो क्या बताओगे बच्चों उसको, कैपिटल वाला आर, ये हो गया इसका सेंटर। अगर मान लो करंट ऐसा गया है तो फील्ड कैसी होगी एंटी क्लॉकवाइज में, ओ भाई बाहर है ना, पूरे कंडक्टर पे कभी नहीं लगता है बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ का मतलब ही होता है कि एलिमेंट को पढ़ाया जा रहा है, तो इस कंडक्टर के कोई भी एलिमेंट को अज्यूम कर लो तो ये हो जाएगा बच्चों एलिमेंट जो मैंने वहां पे बनाया हुआ है, उस एलिमेंट का नाम डीएल रखना होगा। कोई प्रॉब्लम? अब पूरी क्लास को वहां डीएल पे जाकर खुद ऐसे बैठ जाना है। बैठ गए अपन, इस डीएल पे टेंजेंट बनेगी सबसे पहले, वो कि कर्व पाथ है वो, ठीक। उससे लेकर क्रॉस करते हुए आओगे तो एंगल कितने का बनेगा, एंगल कितने का बनेगा बच्चों, 90 का। बात समझ रहे हो, डीएल के ऊपर चारों फिंगर्स रखने हैं अपन को और फोल्ड करते हुए आओगे यहां तक, तो थंब आपकी ऊपर आ रही होगी पेज के। तो मैं लिखता हूं छोटा वाला डीबी कितना होता है, किस किस को आइडिया है भी, 5 मिनट पहले पढ़ाया गया इसका आंसर, जल्दी करो। डीबी कितना होगा, ये होगा बच्चों एलिमेंट से म्यू नॉट बाय 4 पाई, जो करंट चल रहा है वो, जो एलिमेंट लिया है वो, और साइन थीटा की जगह क्या हो जाएगा साइन 90 डिवाइड बाय डीएल से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस कितना मानोगे आप लोग, किस किस को आया ये समझ में? 12th के बच्चों ये क्लियर हुआ क्या, डीबी इक्वल्स टू होता है म्यू नॉट बाय 4 पाई, डीबी इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई करंट, मतलब आई डीएल, डीएल की तरह साइन 90 कर दिया आर कर दिया, दोनों तरफ बच्चों डिफरेंशियल वैल्यू से इंटीग्रेट मार दो, उठा के बात खत्म करो। लेफ्ट साइड पे तो बोलोगे सर कुछ नहीं होगा बी हो जाएगा, यहाँ पे म्यू नॉट भी कॉन्स्टेंट होगा, 4 पाई भी कॉन्स्टेंट होगा, जो करंट चल रहा है वह भी कॉन्स्टेंट है, आर स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, साइन 90 की वैल्यू 1 आ जाएगी, ले दे के बेचारे का जो इंटीग्रेशन होगा वो डीएल का होगा। अब डीएल बेचारा कहां से कहां तक हो सकता है, तो बोलोगे सर ये यहाँ पे कहीं बैठ सकता है, रजनीकांत की तरह साउथ मूवी के हीरो की तरह कहीं भी बैठ सकता है वो तो आके। तो अपन को ये कहना है कि डीएल से ये कहीं हो सकता है, तो उसकी रेंज जाएगी 0 से लेके सर्कमफेरेंस, दैट शुड बी 2 पाई कैपिटल आर, और अंदर कुछ नहीं है मतलब 1 लिख लो। तो मैथ्स वाले बच्चे जानते ही हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx x होता है, dy y होता है, तो dl l हो जाएगा, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट की कहानी में ऐसा बोल सकते हैं अपन, म्यू नॉट बाय 4 पाई लिख लो सर आप, i बाय r स्क्वायर लिख लो, और अपर लिमिट में हो जाएगा 2 पाई r और लोअर लिमिट में 0। किस किस को आया ये समझ में,
तो जो फील्ड आएगी वो आपकी इतनी आ जाती है, म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई, इसको हमेशा अलग ही रखना, आई लिखा रहेगा, इस एक आर स्क्वायर से ये एक आर चला जाएगा, आई बाय आर भी याद कर लो और बगल में ऐसे करके 2 पाई लिख लो, क्योंकि यही अपने काम की चीज है। 2 पाई यहाँ पे ये डिनोट कर रहा है कि जो पूरा एंगल बन रहा है करंट कैरिंग लूप से वो पाई, और पाई मतलब 360 डिग्री बन रहा है, 2 पाई वो डिनोट कर रहा है, ताकि अगर कभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन आ जाए इसी का सेगमेंट फॉर्म में कि सेमी सर्कुलर करंट से कितना फील होगा, सेमी सर्कुलर में भी आ सकता है, कोई क्वाड्रिलेटरल में भी आ सकता है, मान लो ऐसे करके और ये करंट यहाँ से ऐसे निकल जाएगा, या करंट यहाँ से आके यहाँ पे निकल जाएगा इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? तो बोलना सर टेंशन वगैरह कोई बात ही नहीं है, जितने आपको मॉडिफाइड स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, मतलब ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो बच्चे लोग 1 जो सेंटर ओ बना रहा हूँ ना मैं, वो 1 के भी एक्सिस पे आ रहा है और 3 के भी एक्सिस पे आ रहा है बच्चों, मतलब 1 से कोई फील्ड नहीं होगी, 3 से कोई फील्ड नहीं होगी, फील्ड खाली किससे होगी? सेमी सर्कुलर पार्ट से। किससे होगी बच्चों? केवल वो केवल सेमी सर्कुलर पार्ट से होगी। तो अपने राइट हैंड को यहाँ पे घुमा के देखो ऐसे करके, इसी के डायरेक्शन में ऐसे करके हाथ ऐसे घुमा के देखो, आपकी थंब अंदर जा रही होगी, मतलब कहने का है सेंटर पे फील्ड इनवर्ड जा रही होगी। तो आप ऐसा लिखोगे मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू, कॉपी पेस्ट कर रहा हूं मैं, फॉर्मूला क्या होता है बोलो, म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये एप्लीकेशन चल रहे हैं बायो सेवर्ट लॉ के, और सिर्फ फॉर्मूले फॉर्मूले लिख के दूंगा मैं। अब म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखा, आई बाय आर लिखा, आर मतलब रेडियस, ए भी हो सकता है। हाँ बोल बेटा। यहाँ इंटेंशनली 2 पाई क्यों लिया हुआ है टीचर ने? चाहता तो ये भी कर सकता था मैं कि b बराबर म्यू नॉट बाय 4 पाई लिखकर यहाँ पे i बाय r लिख के 2 पाई को मैं वहीं से उड़ा देता, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब सा बन जाता, म्यू नॉट i डिवाइड बाय 2r, बट ऐसा इसलिए नहीं करा बिकॉज अगले पेज पे नीड होगी अपन को। यहाँ लिख रहा हूँ मैं म्यू नॉट बाय 4 पाई, बोलोगे यस सर, i बाय r बोलोगे यस सर, रेडियस का है हमारे पास, r का है। अब सेमी सर्कल का एंगल कितने का होता है 12वीं के बच्चों? केवल और केवल पाई का होता है, तो यहां पाई आ जाएगा, मत लो टेंशन, काटन पिटी करोगे तो घबरा जाओगे फिर। अगर मान लो मैं उड़ा देता उसको, तो ऐसा लिखना पड़ता मुझे पाई विथ रिस्पेक्ट टू 2 पाई, तो ये कंफ्यूजन से बेटर है ना कि पहले मल्टीप्लाई डिवाइड मत करो। अब यहां देखो, अगर मैं इनके एक्सिस पे पूछूंगा कि कितना आएगा फील्ड, तो बोल देना सर ये 1 है, ये 2 है और 3 है, तो 1 और 3 के तो सेंटर पे आ गया, तो 1 और 3 से तो कोई फील्ड बननी नहीं है बच्चों, सारी फील्ड बननी हो इससे बननी है। ये एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का, रेडियस में इसको बोलते हैं पाई बाय 2, तो टेंशन तो लेना ही नहीं है अपन को। अगर मान लो कोई क्वार्टर सर्कल का आता है क्वेश्चन, है ना, ये बहुत मिलता है अपन को, रिंग क्वार्टर रिंग या का क्वार्टर सर्कल का, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, जो जो अपनी परंपरा चली आ रही वो तो लिखेंगे अपन, म्यू नॉट बाय 4 पाई, आई बाय आर भी लिखेंगे ही लिखेंगे अपन, है ना, ये होता है रेडियस। यहाँ एंगल जितना एंगल आ रहा होगा वो एंगल आता है बच्चों, तो पाई बाय 2 आ गया। नाउ दैट इज इजी और कैंसिलिंग देम इज इजी, अब आप ही डिसाइड कर लो, सोचो क्या बोला सर ने, ये वाला आसान है या 4 पाई को रहन दो वहीं पे, क्योंकि जब न्यूमेरिकल भी फंसेगा ना आप बच्चा, तो उसको तो पता है ना कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है सीधा सीधा 10^-7। मान लो करंट जा रहा है 2 एम्पियर का, तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, मान लो रेडियस है आपका हाफ मीटर का, तो 1/2 हो जाएगा, और पाई की वैल्यू यहाँ पे पाई डाल देना, क्या ही दिक्कत है अपन को इसमें। आप बात समझे बच्चों, क्यों मैंने कैंसिल नहीं करा उसको, क्यों आपको इंसिस्ट करने को बोल रहा हूँ कि म्यू नॉट बाय 4 पाई याद करो, आई बाय आर याद करो और पाई याद करो, और टेंशन मत लो बिल्कुल। जितना एंगल होगा कर्व का उत्तर लेंगे, क्योंकि आगे चल के एंगल ये 60 डिग्री वाले भी देंगे अपन को परेशान करने के लिए, तो 60 डिग्री की जगह पे क्या आ जाएगा एंगल, पाई बाय 3 आने लग जाएगा। यू गेटिंग माई पॉइंट, क्या बोल रहा हूं मैं? और अगर 45 पे दे देगा तो पाई बाय 4 मारना पड़ेगा अपन को, तो अपन को क्वेश्चन के हिसाब से एंटिसिपेट करना है। ये दो तो रेगुलरली आज जो तो मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है, इतनी ज़्यादा टेंशन लिया ही मत करो, क्योंकि मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आसान रहेगा। आई शुड हैव कैंसिल्ड इट, बट नो नीड टू कैंसिलिंग इट। हाँ, यू कैन मेमोराइज दिस ऑल्सो, बिकॉज देयर विल बी रेयर क्वेश्चन जहाँ पे म्यू नॉट आई बाय 2 आर से लग रहा होगा अपना मामला, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ये वाला याद करें। कोई दिक्कत बच्चों?